नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 के ऑनलाइन ऑडिशन वाले दिन। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी थे जिनका ऑडिशन जो है सक्सेसफुल नहीं रहा था, बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गए थे। अब वो ये बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनको दोबारा ऑडिशन का मौका दिया जाएगा या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी री रजिस्ट्रेशन होगा। वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चाहे ऑडिशन के प्रतिभागी की बात हो या फिर जिनके पास IVR कॉल नहीं किया, वो भी यही सोच रहे हैं कि दोबारा अगर रजिस्ट्रेशन करवाया जाए तो उनके लिए भी बेहतर होगा, एक और मौका उनको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि KBC टीम के तरफ से ऑफिशियली कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि इसका री रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा या फिर नहीं करवाया जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ साफ हो जाता है कि अभी संभावना के आधार पे कोई भी क्रिएटर्स अगर आपको बताता है, चाहे हम आपको बता रहे हैं कि, तो यहाँ पे संभावना के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। अगर आप सोनी के ट्विटर हैंडल पे जाकर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे KBC के प्रतिभागी हैं जो अपना ऑनलाइन ऑडिशन में जो उनके साथ समस्या हुआ था, जिससे वो वंचित रह गए थे, वो अपना स्क्रीनशॉट के साथ में जो है अपना समस्या वहाँ पे सोनी के ट्विटर हैंडल पे शेयर कर रहे हैं। अब हो सकता है उसको लेकर जो है KBC टीम ये निर्णय ले कि दोबारा री रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि करवाया ही जाएगा। हो सकता है, संभावना है 70% कि फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। और अगर ये कराया गया तो ये भी आप ध्यान रखिए कि जून के फर्स्ट वीक तक ही ये डन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें टाइम जो है ज़्यादा दिया जाएगा, जैसा कि आज यानी कि 31 मई है और कल से जून स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर री रजिस्ट्रेशन होता भी है तो वो इसी सप्ताह में यानी कि सप्ताह के जून के फर्स्ट वीक तक री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जो है वो समाप्त हो जाएगी। और इसी में एक डेट निर्धारित कर दिया जाएगा, जो कि सोनी TV के चैनल के तरफ से भी बताया जाएगा कि री रजिस्ट्रेशन कब से कराया जाएगा। साथ ही साथ सोनी के ट्विटर हैंडल से भी वीडियो जारी किया जाएगा और महानायक अमिताभ बच्चन भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये तीनों जगह आप देखते रहिए। और इसके अलावा बाकी आप YouTube पे जिस क्रिएटर्स का वीडियो आप देखते हैं उनका वीडियो आप देखते रहिए। अगर री रजिस्ट्रेशन की बात कोई वैसा सामने आता है तो क्रिएटर्स आपको ज़रूर बताएंगे, चाहे हम तक अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम ज़रूर आपको बताएंगे कि री रजिस्ट्रेशन इसका कब से शुरू होने वाला है। लेकिन 70% चांस ज़रूर है कि हो सकता है री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए, जैसा पिछले बार भी किया था। पिछले बार भी यही समस्या हुआ था, KBC के जितने भी प्रतिभागी थे जो ऑनलाइन ऑडिशन में डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो फिर से एक KBC टीम के तरफ से एक लीगल वहां पे लाया गया ऑप्शन कि अब वही प्रतिभागी जो है KBC में री रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो सोनी लिव ऐप के उपभोक्ता होंगे। यानी कि रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या होता था कि आप SMS के जरिए भी आप जवाब दे सकते थे और दूसरा आप वहाँ सोनी लिव ऐप पे जवाब देते थे। तो जब दूसरा पिछली बार ही रजिस्ट्रेशन करवाया गया तो उसमें SMS का ऑप्शन नहीं था, उसमें सिर्फ यही ऑप्शन था कि री रजिस्ट्रेशन में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको सोनी लिव ऐप का जो है यूजर्स होना होगा। यानी कि सोनी लिव ऐप के अगर आप उपभोक्ता होंगे तभी री रजिस्ट्रेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, अगर इसमें बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा कि क्या री रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसमें सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी होगा या फिर नहीं ज़रूरी होगा, आखिर सोनी लिव उपभोक्ता का मतलब क्या होता है। तो इसके कारण ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसलिए इस कंटेंट पर एक अलग हम वीडियो बना देंगे कि अगर री रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या उसमें सोनी लिव ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके तरफ से एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, जिनका ऑनलाइन ऑडिशन जो है डिस्कनेक्ट हुआ है, वो यही पूछ रहे हैं कि क्या हमें दोबारा मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। या फिर जिनके पास IVR कॉल नहीं किया है वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर अच्छा होता, दोबारा री रजिस्ट्रेशन का मौका मिल जाता तो बिल्कुल सोनी का जो ट्विटर हैंडल है उसके हैंडल पे जो है #KBCRERegistration स्टार्ट का वहाँ पे टैग चल रहा है। अगर हो सकता है KBC टीम उस पर ध्यान दे और उसको लगे तो फिर से री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जा सकता है। और अगर री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो जून के फर्स्ट वीक किसी डेट को भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो आप देखते रहिए सोनी TV, अगर आपके पास व्यवस्था है तो सोनी TV देखते रहिए या फिर सोनी का ट्विटर हैंडल आप चेक कीजिए या फिर आप महानायक अमिताभ बच्चन का आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट आप देखते रहिए। अगर प्रोमो लॉन्च किया जाएगा तो तीनों जगह जरूर आपको मिल जाएगा, या फिर अगर हम तक ये इन्फॉर्मेशन आता है कि री रजिस्ट्रेशन होगा तो हम भी जरूर आपको सूचित करेंगे कि कब से इसका री रजिस्ट्रेशन होने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी KBC के ऑफिशियली टीम की तरफ से कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि यहां पे री रजिस्ट्रेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो जो लोग भी आपको बता रहे हैं या फिर हम आपको बता रहे हैं, संभावना के आधार पे ही बता रहे हैं कि हो सकता है 70% चांस जरूर है कि री रजिस्ट्रेशन KBC टीम फिर से यहां पे करा दे।